राजधानी रांची में सहायक पुलिसकर्मी लगातार आंदोलनरत हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं। लगातार आंदोलन के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम बनाया है। हालांकि वार्ता की खबरें भी इस बीच आई, लेकिन फिर भी अभी आक्रोशित हैं। हमारे सहयोगी अमित जुड़े हुए हैं, सीधे अमित का रुख करते हैं। अमित, फिलहाल स्थिति क्या है? क्या अभी भी ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने निकल रहे हैं? क्या कुछ अभी अपडेट मिल रहा है? जैसा इस वक्त जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं सीएम आवास के करीब पहुंच गए हैं। हालांकि इस बीच जो छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो है उनको चोट भी आई है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रशासन द्वारा इन्हें इन पर लाठीचार्ज भी किया गया है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तस्वीर देवेंद्रनाथ महतो है जो जिमेश के नेता है वो यहाँ लेटे हुए हैं। हम इनके जो साथ में उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, कैसे चोट लगी इनको? मुख्यमंत्री आवास के सामने शांति प्रमंग से हम लोग धरना दे रहे थे, उनके साथ साथ सिटी एसपी के द्वारा पुलिस और एसडीएम सर थे, उनके द्वारा देवेंद्रनाथ महतो को टारगेट करके मारा गया है। हमारे साथी को बैरमिल से पीटा गया है और साथ में एम्बुलेंस पहुंचा था और सिटी एसपी हमको पूछा कि किसको मार मिला है, हम बोले कि देवेंद्रनाथ महतो को मार मिला है, उन लोग एम्बुलेंस को भी लौटा दिया गया। तो इसमें खुद भी हो गया देवेंद्र दादा, तो इसका जिम्मेवार झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सरकार और सिटी एसपी होंगे। जब आप बताए कि देवेंद्र नाथ महतो को चोट लगी तो एम्बुलेंस को लौटा दिया गया, बिल्कुल हमारा आंख के सामने दिख रहा था, लौटा दिया गया। अगर देवेंद्र दादा को कुछ हुआ तो जला देंगे। अगर कुछ भी हुआ तो हेमंत सरन जिम्मेवार पूरा होंगे, इसका जिम्मेवार। अब बोलने की स्थिति में है, जान बूझ के हमारे नेता देवेंद्र नाथ महतो जी को टारगेट करके इनके सर पे वार किया गया है। और जो इसी बीच आप देख सकते हैं कि झारखंड सहायक पुलिसकर्मी है वो सीएम हेमंत सोरेन के आवास के समीप पहुंच गए। हालांकि प्रशासन के द्वारा इन्हें रोकने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया गया है कि इस प्रकार से हंगामा करना नाजायज है, इसके लिए बल प्रयोग भी किया जा सकता है। वार्ता की भी बात सामने आई थी कि इन्हें वार्ता के लिए बुलाया गया था, तो क्या सहमति नहीं बन पाई मांगों पर? इनका जो प्रस्ताव सीएम हेमंत के सोरेन की तरफ से मिला है उसमें साफ तौर पे है कि जो नौकरी है इनकी अब एक साल और बढ़ा दिया जाएगा। इसके अलावा जो इनका वेतन है उसमें 25% की बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन इस प्रस्ताव पे कहीं ना कहीं ये तमाम जो झारखंड के सहायक पुलिसकर्मी हैं उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये कहीं ना कहीं चुनावी लॉलीपॉप है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अन्य जो राज्यकर्मी हैं उनकी तरह सुविधा भी मिले तब हम इस पे जाके कुछ आगे का विचार करेंगे। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।